डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एक बार बनने के बाद में उसमें किस प्रकार से अल्टरेशन या चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम केसेस में अल्टरेशन में यदि चेंज करना है तो हमें एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। और उसके बाद में जैसे भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं उनके अनुसार प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि यदि कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो और उसकी शेयर कैपिटल ना हो तो उस केस में यदि वो कंपनी किसी एक व्यक्ति को अगर अल्टरेशन का अधिकार देना चाहे, जो व्यक्ति जो लाभांश है उसका हिस्सेदार हो तो ये जो राइट है, ये जो अधिकार है वो मान्य नहीं होगा, वो वॉइड होगा। एक बार आप फिर से समझें, यदि कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो जिसकी शेयर कैपिटल ना हो और वो अल्टरेशन का अधिकार किसी एक व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहे जो कि लाभांश में हिस्सेदार है, वो जो अनुबंध होगा, वो जो अधिकार देने का अनुबंध होगा या जो अधिकार दिया जाएगा वो वैध नहीं होगा, वॉइड होगा। अब हम बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ नेम या फिर अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज की। इसमें सबसे पहले आता है कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट का मीनिंग ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 4(2) और सेक्शन 4(3) में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं उनके हिसाब से कंपनी को जो रूल्स हैं, रेगुलेशन जो दिए गए उनको कंप्लाई करना होता है, उनके अनुसार ही जो है वो नाम का चुनाव करना होता है। दूसरा आता है अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम चेंज के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है, लेकिन यदि नाम में चेंज आंशिक हो और वो भी किस प्रकार आंशिक हो, यदि कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो रही है या पब्लिक से प्राइवेट हो रही है या प्राइवेट से ओपीसी हो रही है अथवा ओपीसी से प्राइवेट हो रही है, उस केस में ऐसा अप्रूवल लेना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आता है ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें अप्रूवल अलाउड नहीं है, नाम में चेंज वो नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी डिफॉल्टर रही है, निम्न में से अगर डिफॉल्टर रही है, किन में से? फिलिंग द एनुअल रिटर्न। यदि किसी कंपनी डिफॉल्टर है एनुअल रिटर्न को फिल करने में, यदि कोई कंपनी डिफॉल्टर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिल करने में या ऐसे डॉक्यूमेंट्स को फिल करने में डिफॉल्टर रही है। डिफॉल्टर का मीनिंग ये है कि वो कंप्लाई नहीं कर पाए, वो उस काम को पूरा नहीं कर पाए तय समय सीमा में, या उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तो जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास में फाइल होने हैं उसमें डिफॉल्टर रही है, अथवा किसी भी प्रकार का जो मैच्योर्ड रीपेमेंट है, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो लोन रीपेमेंट हो, उसमें अगर वो डिफॉल्टर रही है तो उस कंपनी को नाम चेंज का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर एक टेक्निकल इश्यू है, उसको आप समझने की कोशिश करें। यदि डिफॉल्टर कंपनी का नाम चेंज हो जाता है तो जो अनुबंध उन्होंने पहले किए हुए हैं उस अनुबंध से वो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो डिफॉल्टर रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार से उन अनुबंधों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें वो स्वयं एक पार्टी हैं, वो उन अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।
यदि नाम चेंज हो जाएगा तो ये संभावना बन जाएगी कि वो उन अनुबंधों से मुक्त हो जाए। तो इसलिए ये प्रोविजंस हैं कि यदि ये सारे इश्यूज़ में अगर वो लोग डिफ़ॉल्टर रहे हैं तो वे लोग अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं कर सकते। अब जो नाम चेंज करने का प्रोसीजर है वो तीन तरीके से अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है बाय ओन चॉइस ऑफ कंपनी, कंपनी की खुद की चॉइस है। दूसरा आता है बाय चेंज इन एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ में उनके ऑब्जेक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं तो उस केस में भी नाम चेंज किया जा सकता है। तीसरा आता है बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेटिफिकेशन ऑफ नेम। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नाम चेंज करती है तो उसको हमने नाम दिया है रेटिफिकेशन ऑफ नेम। तो हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं बाय ओन चॉइस ऑफ द कंपनी। ओन चॉइस ऑफ द कंपनी में हमें कुछ प्रिलिमिनरीज यानी कि जो प्राथमिकी जो इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कंप्लायंस विद द प्रोविज़न फॉर चॉइस ऑफ नेम। चॉइस ऑफ नेम के लिए जो जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 4(2) और 4(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उनका हमको ध्यान रखना है जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। फिर सेक्शन 4(4) के अनुसार हमको एप्लीकेशन एक बनानी है फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम और उसमें जो पर्टिकुलर्स हैं उनको फिलअप करना है। देन रिजर्वेशन फॉर 60 डेज, जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रार के साथ में फाइल होगी और उसको 60 डेज के लिए रिजर्व किया जा सकता है जैसा कि सेक्शन 4(5) में कहा गया है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल रेजोल्यूशन एज पर द सेक्शन 13(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो चेंज नाम होना है वो एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास होना चाहिए। यदि हम आगे के चैप्टर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे और एनुअल जनरल मीटिंग को भी पढ़ेंगे और किस प्रकार से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ ही ये कार्य संभव है। जो चेंज है नेम में जो चेंज है वो उसके बाद में INC 24 जो फॉर्म है उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। फिर जो अप्रूवल मिलेगा और जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास फाइल करनी है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज आदेश देंगे उसके बाद में जो नया नाम है वो जो कंपनीज का रजिस्टर है उसमें दर्ज किया जाएगा और उस नाम को दर्ज करने के बाद में एक फ्रेश एक नया सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और जब से वो जो सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ है उस डेट से ही कंपनी का नया नाम माना जाएगा। इसके बाद में आता है अदर फॉर्मेलिटीज़। अदर फॉर्मेलिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नया नाम है उस नए नाम को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है। आपको पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में चेंज करना है क्योंकि पुराने नाम का जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है वो अब लीगलाइज नहीं माने जाएंगे क्योंकि कंपनी अब चेंज हो चुकी है। तो उसके जो आधारभूत डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके घटक हैं उनमें भी चेंज करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है बाय चेंज इन एक्टिविटीज़। अगर कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज़ चेंज कर दी है जैसे कि वो पहले सर्विस देती थी और अब मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है या पहले मैन्युफैक्चरिंग थी तो अब सर्विस भी दे रही है तो इसको बोलेंगे चेंज इन एक्टिविटीज़। तो इस केस में एक्टिविटीज़ के चेंज होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो नाम अपना चेंज करा सकते हैं और इसके लिए रूल INC 8(3) एप्लीकेबल होता है। इसके बाद आता है बाय ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब
बाध्य करती है नाम चेंज करने के लिए, तो उसे रेटिफिकेशन ऑफ नेम कहा जाता है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो नाम कंपनी को दिया गया वो रिजेंबल करता है और दूसरी कंपनियों से, और उनका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, अथवा उन्हीं की कोई सिस्टम कंसर्न हो सकती है, उससे मिलता जुलता नाम हो सकता है जो प्राथमिक तौर पर पता नहीं लगता है। जब भी ये पता लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी को अपना नाम चेंज करने के लिए कह सकती है। सिमिलरली ऐसा ही केस ट्रेडमार्क के साथ में हो सकता है कि वो सिमिलरिटी आ जाए, तो जो प्रोप्राइटर है वो अपने ट्रेडमार्क से जब भी उसको पता लगे कि नाम मिलता जुलता है तो वो 3 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दे सकता है नाम चेंज के लिए। तो इस केस में रेक्टिफिकेशन ऑफ जो नेम है वो प्लेस होता है। अब प्रोसीजर जो है इसका वो नियरली मिलता जुलता है जो हमने पढ़ा, चेंज विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर चेंज करना होता है। यहाँ पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जो सेक्शन 16(1)(b) में कहा गया है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। देन नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार, जो चेंज किया गया है उसकी एक कॉपी है वो रजिस्ट्रार के साथ में फाइल होगी 15 दिन के अंदर अंदर। देन चेंज इन रेक्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम, तो जो चेंज किया गया है तो वो रजिस्ट्रार नेसेसरी चेंज के लिए एज पर द सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग वो चेंज करवाएंगे। देन अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट होती है तो उनके ऊपर पनिशमेंट लगाया जा सकता है ₹1,000 पर डे के हिसाब से, और अगर ये डिफ़ॉल्ट और इंक्रीज होता है तो ये ₹1,00,000 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। देन जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज करना है। इसके बाद जो नाम चेंज हुआ है उसका पब्लिकेशन करना है, उसका उसको चेंज करना है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर, अपने डॉक्यूमेंट्स पर, अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर, और फिर जो बाकी के चेंजेस हैं जैसे कि कॉमन सील से रिलेटेड हो गए, अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गए, वो चेंज करना है। तो आज हमने नेम क्लॉज में ऑल्टरेशन के प्रोसीजर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। थैंक यू।